वर्ष 2015 में ग्रहदेव आपको अपने आप ही क्षमताओं में बहुत ही बढ़िया आत्मविश्वास दिलाने में सहायक होंगे। आप अपने जीवन में पूर्व वर्षों की तुलना में बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, किंतु कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने विचारों और कार्यप्रणाली को निश्चित करना होगा। आपके रिश्तों में कुछ बाधाएं आने की संभावना होगी, किंतु आप निराश न हों और धैर्य से काम लें। समय के साथ साथ समस्या पर सुधार होने की संभावना है। आप अपने प्रत्येक कार्य में व्यस्त होंगे, परंतु यह निश्चित करें कि आपका वातावरण शुद्ध हो। सामाजिक और कुछ धार्मिक कार्य भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिसमें जल्दबाजी न करें और इन कार्यों में सहयोग अवश्य दें। इस वर्ष आपको धन संपत्ति और सौभाग्य की भी प्राप्ति होने की संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपका कार्य इस वर्ष बहुत ही तीव्र गति से चलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी प्रमोशन होने की संभावना होगी, और यदि आप व्यापार में हैं तो आपको अन्य लोगों का सहयोग मिलने और व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। जो कला और विकास क्षेत्र में हैं उनको नए अवसर प्राप्त होने की संभावना होगी। वर्ष के पहले 3 माहों में अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के साथ कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे कुछ समय तक कार्य में परिस्थिति अनुकूल असफलता भी मिल सकती है। इसीलिए मिलकर कार्य करना ही सफलता होगी। अपने परिश्रम और विश्वास पर कायम रहें, ताकि वर्ष के अंत तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। इस वर्ष आपका अपने प्रेम संबंधों पर नियंत्रण रहेगा। अपने जीवन साथी के लिए आप अधिक आकर्षक और सभ्य होंगे। आप अपने बीच सहनशीलता और सफलता पर विशेष ध्यान दें। भले ही निराशा क्यों न हो, अपने जीवन साथी के साथ श्रद्धा भावना और प्रशंसा रखना ही आपके लिए लाभकारी होगा। आपकी कार्य की अच्छी शुरुआत के कारण आर्थिक स्थिति एक अच्छे मोड़ पर होगी। आय के साथ साथ ध्यान रखें आप व्यय भी कम करें, क्योंकि कभी कभी आपको आपत्ति काल में धन की विशेष आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी सीमाओं के आधार पर आप व्यय करें। इस वर्ष लेन देन सोच विचार करके करें और धोखेबाजों से सावधान रहें। वर्ष के अंत में धन संपत्ति के लाभ की संभावना है। खासकर व्यापारियों के लिए यह वर्ष अच्छा ही अच्छा रहने की संभावना होगी। वर्ष 2015 में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष के मध्य में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना हो सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति देव 8वें भाव में हैं, जो कि अधिक अनुकूल नहीं है। राशिफल की दृष्टि से आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई हो सकती है। राशिफल 2015 का संकेत है कि आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि घर परिवार के लोग आपके साथ पहले जैसा व्यवहार न कर रहे हों। इससे आपके मन में असुरक्षा की भावना जाग सकती है और आपका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रह सकता है। 2015 के राशिफल के अनुसार आपका प्रेम संबंधों में भी असंतोष रह सकता है। वर्ष के दूसरे और तीसरे भाग में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं और खुशियां हैं, वह धीरे धीरे वापस लौट कर आने लगेंगी। राशिफल 2015 के हिसाब से आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और शिक्षार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। मंदिर में आपको फलदान करना आपके लिए लाभकारी होगा। बृहस्पति देव और शनि देव ग्रहों की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आस गणेशा के सभी ग्राहकों को हमारा सहृदय धन्यवाद है, और हम आपके उज्जवल
एवं सुखमय भविष्य की कामना करते हैं। हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाएं प्रदान करते रहेंगे।